दोस्तों एप्पल ने अपने सभी प्रोडक्ट्स को एक अपडेट दी है जो कि सिक्योरिटी अपडेट है। हालांकि ये किस तरीके की सिक्योरिटी अपडेट है वो नहीं बताया गया, लेकिन इन्होंने बताया है कि एक लूप होल पकड़ा गया है जिसको हैकर एक्सप्लॉइट शायद कर रहा हो पहले से या फिर कर सकता है आने वाले वक्त में। तो इस सिक्योरिटी फ्लो को अगर आपको अपने डिवाइस से दूर करना है तो आपको उसको अपडेट करना पड़ेगा, चाहे आपके पास में कोई भी एप्पल का प्रोडक्ट हो। अगर उसके ऊपर अपडेट आई है तो आपको कर लेनी चाहिए, चाहे वो मैकबुक हो, चाहे वो आईफोन हो, चाहे वो आईपैड हो, सफारी ब्राउज़र, सिक्योरिटी अपडेट सभी के ऊपर आ रखी है, इंक्लूडिंग एप्पल टीवी एंड एप्पल वॉच। इस यूनिवर्स के अंदर बहुत सी गैलेक्सीज मौजूद हैं, उनमें से एक हमने अपनी ही जैसी गैलेक्सी कैप्चर कर ली है जो कि यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने जेम्स वेब टेलीस्कोप का सहारा लेकर कैप्चर करी है। लेकिन ये बहुत ज़्यादा दूर है, यहाँ तक पहुँचने में शायद कई सैकड़ों जन्म लग जाएं और तब भी हम पहुँच ना पाएं। ये 1 बिलियन लाइट ईयर्स दूर है, तो यहाँ तक पहुँचने की टेक्नोलॉजी फ़िलहाल तो हमारे पास नहीं है। आने वाले 1000 सालों में भी अगर हो जाए तो बात अलग है। लेकिन इससे एक बात पता चल जाती है कि जेम्स वेब टेलीस्कोप की कैपेबिलिटी कितनी ज़्यादा पावरफुल है, क्योंकि इसके अंदर अल्ट्रा पावरफुल इंफ्रारेड कैमरा लगाया गया है जो कि काफ़ी तगड़ी वेव छोड़ता है, जो कि बिलियन लाइट ईयर्स दूर की इमेजेस को भी कैप्चर कर सकता है। दोस्तों एक बड़ी अजीब सी अनाउंसमेंट हुई है CBSE की तरफ से। वैसे तो कई सारे दुनिया के स्कूलों ने ये कह दिया है कि भैया ChatGPT को हम बैन करते हैं। इसी तरीके से CBSE ने कहा है कि क्लास 10th और 12th के एग्जाम्स के अंदर हम ChatGPT को पूरी तरीके से बैन करते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेसिक चैटबॉट है, लेकिन मेरा कहना ये है कि भाई एग्ज़ाम सेंटर्स के अंदर तो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस जैसे मोबाइल हो गया या फिर कोई और टैबलेट वगैरह हो गया, वो तो पहले ही बैन रहते हैं, तो कोई बंदा उनको जब लेके ही नहीं जाएगा तो ChatGPT का यूज़ कैसे करेगा। सो आई डोंट थिंक कि ChatGPT के बारे में कहने की ज़रूरत थी कि ChatGPT को यूज़ नहीं कर सकते क्लास 10th और 12th के बोर्ड एग्ज़ाम के अंदर। भाई तो मोबाइल भी नहीं यूज़ कर सकते वैसे तो, जिसके अंदर वो चलाओगे। दोस्तों बेंगलुरु बेस्ड एक स्टार्टअप कंपनी है जिन्होंने जेट पैक सूट बनाया जो कि इंसान को हवा में लिफ्ट करवा सकता है और उड़ा के इधर उधर लेके जा सकता है। और इंडियन आर्मी ने इसके लिए रिक्वेस्ट भेजी है कि हमें ऐसे 48 जेट पैक सूट्स चाहिए जिससे कि करीबन वो 10 मिनट में 10 किलोमीटर दूर तक उड़ सकते हैं। ये एरो इंडिया 2023 के शो के अंदर दिखाया गया था। हालांकि इसका वेट 3 किलो ही है, लेकिन ये 80 किलो तक के सोल्जर को लिफ्ट करवा सकता है और 10 किलोमीटर दूर तक लेके जा सकता है, वो भी सिर्फ 10 मिनट के अंदर। दोस्तों जैसे ही यूएस के प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने ऑर्डर दिया कि चाइनीज स्पाई बलून को फटाफट से उड़ा दो, उन्होंने अपने सबसे बढ़िया फाइटर जेट से अटलांटिक ओशन के ऊपर से जा रहे स्पाई बलून को उड़ा डाला। हालांकि वो कई दिनों से ऐसा लग रहा था जैसे कि एक अलग ही चांद निकल आया है अमेरिका के अंदर। तो इसके बाद में अब झड़ियां लग चुकी हैं UFO की, जिनको वो शॉट डाउन करे जा रहे हैं। एक अलास्का के ऊपर से उड़ा है उन्होंने, उनका कहना है कि ये कोई बलून तो नहीं था, लेकिन हाँ किसी स्मॉल कार जितने ही साइज का एक अनआइडेंटिफाइड ऑब्जेक्ट था, यानी कि UFO, उसको हमने उड़ा डाला है। अब इसी तरीके से कैनेडा के प्रेसिडेंट ने भी कह दिया कि भैया अलास्का से होता हुआ हमारे एयर स्पेस के ऊपर एक अनआइडेंटिफाइंग ऑब्जेक्ट आ रहा है, यानी कि UFO आ रहा है, उसको भी डिस्ट्रॉय करने के ऑर्डर हमने दे डाले हैं। तो यहाँ पर उन्होंने भी अपना फाइटर जेट यूज करके उसको उड़ा डाला। ये सिलेंड्रिकल शेप का था, हालांकि किसी स्पाई बलून से थोड़ा सा छोटे साइज का ही बताया जा रहा है, जो कि चाइनीज स्पाई बलून था उससे छोटे साइज का था, इसको उड़ा डाला। तो मतलब अब ये भी न्यूज काफी ज्यादा कॉमन हो चुकी है कि इन्होंने UFO को उड़ा दिया, उसने UFO को उड़ा दिया। भाई जब तुम देखते हो कई वीडियोस लीक होती ना, तब क्यों नहीं उड़ाया, अब क्यों उड़ा रहे हो? चलो खैर, अब तो गुब्बारे फुला फुला के चाइना छोड़ रहा है तो ये फोड़े जा रहे हैं। असली में UFO आता है तो वो बाहर से बाहर ही निकल जाएगा कि भैया यहाँ की न्यूज़ कुछ ये फैल रही है कि ये UFO को उड़ाए जा रहे हैं, तो ऐसा करते हैं हम किसी और प्लेनेट पे चलते हैं, यहाँ नहीं आ रहे। दोस्तों पिछले कई सालों में कई सारे प्लेन क्रैश हुए हैं और उनके लिए एक एक्सपेरिमेंट भी हुआ था 2012 में ही, लेकिन वहाँ पर US गवर्नमेंट ने परमिशन नहीं दी थी कि अपनी कंट्री के ऊपर इस तरीके के क्रैश करवाए जाए। तो किसी तरीके से इस एक्सपर्ट्स की टीम ने मैक्सिको से परमिशन ले ली थी कि एक ड्राई लेक के अंदर आप क्रैश करवा सकते हो। तो असली में क्रैश करवाया गया था सिर्फ ये चेक करने के लिए कि किस तरीके से पैसेंजर अपनी जान बचा सकते हैं और इसी के साथ साथ कौन सा पार्ट सेफ रहता है प्लेन के अंदर इस तरीके के क्रैश के अंदर। तो ये पाया गया था कि
कुछ भी हो सकता है, लेकिन पैसेंजर अगर ब्रेस पोजीशन के अंदर रहे तो वो अपनी स्पाइनल कॉर्ड और इसी के साथ साथ हेड इंजरी को बचा सकते हैं, लेकिन इसमें उनकी लेग्स को डैमेज पहुंच सकता है, बट जान बच सकती है। दोस्तों इस साल अगर आप टीवी लेना चाह रहे हो तो एक बात मैं आपको बता देता हूँ कि शाओमी के डिप्टी हेड सुदीप साहू का भी कहना है कि इस साल स्मार्ट टीवी की सेल उतनी ज़्यादा नहीं होने वाली, उन्होंने ही कह दिया है। उनका मानना ये है कि अब जो फोर्स है ना कस्टमर्स को अपनी तरफ खींचने के लिए, वो या तो 4K है या 8K है, तो 1080p का तो मतलब अब उतना ज़्यादा बनता नहीं, तो मतलब टाइम आ चुका है कि 4K में शिफ्ट होना चाहिए, तो मतलब 4K के टीवी अब सस्ते होंगे आने वाले वक्त में।